हे गाइस, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। बहुत टाइम से मेरा प्लान था कि एक गिम्बल ले लूं। काफ़ी रिसर्च की, बहुत सारे वीडियोस देखे, एंड आई थॉट आई शुड बाय अ गिम्बल दैट फिट्स ऑन माय स्मार्टफोन, ऑन माय पॉइंट एंड शूट एंड ऑन माय DSLR। सो आई हैव ऑर्डर्ड दिस वन। जी हाँ, मैंने अभी अभी ये ऑर्डर किया है क्रेन टू ज्यूइन कंपनी से। दिस इज माई फर्स्ट गिम्बल, सो आई विल डू एन एंटायर रिव्यू। इसकी MRP है 18,999, बट आई गॉट इट फॉर 16,500। इट वेज 920 grams। वी विल नाउ सी बॉक्स में क्या क्या मिलता है। लेट्स डू द अनबॉक्सिंग फर्स्ट एंड देन, एज आई सेड, आई हैव नेवर बॉट अ गिम्बल बिफोर। कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड होता है शुरू में मोबाइल लगाना। लेट्स सी हाउ कॉम्प्लिकेटेड और हाउ ईजी इट इज, एंड देन लेट्स सी हाउ ईजी दिस मेक्स माई लाइफ। सो नाउ लेट्स सी बॉक्स में क्या क्या है। टाइप सी केबल चार्जिंग के लिए, गिम्बल को चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट इज मोबाइल क्लैंप करने के लिए, ये है आपका मोबाइल रखने के लिए, बिकॉज दिस काफ़ी हैवी है। इट्स नॉट लाइक अ चीप यू नो प्लास्टिक का, ये काफ़ी अच्छा बना है, एंड इस पर आप मोबाइल लगा सकते हैं। दिस लुक्स ग्रेट, वील ऑब्वियसली यूज दिस लेटर। स्ट्रैप, दिस इज़ टू होल्ड योर गिम्बल, ऑलवेज अ गुड थिंग टू कैरी। मैं तो आते से स्ट्रैप लगा देता हूँ। दिस आई एम गेसिंग ऑब्वियसली लुक्स लाइक अ स्मॉल ट्राईपॉड। जी हाँ, ये गिम्बल के नीचे, जब आप पकड़ेंगे तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, एंड यू ओपन दिस, दिस बिकम्स अ ट्राईपॉड। आई ऑलरेडी लव दिस। So let's put everything back as I'm unboxing this. This is a screw for this plate. ये plate है जिसपे आपके camera ये इस पर लगेगी, mobile phone इस पर लगेगा। You have to put this and tighten it. ये gimbal पर लगेगा, I'll show you that later. So let's put this back. And now we will take out what I bought this for. The main thing, Crane M2, the gimbal that I've just purchased. This is really lightweight. I can't tell you, I can see myself doing this for longer periods of time. And ye tripod uske niche lag sakta hai. But so let's see what all did we get. So this is pretty much everything you get in the box. I have heard that first thing you should do is charge your gimbal. So I will have to take this and I will have to take this. I will charge this for around hour or two maybe. Let's see, because it's a new gimbal, it has to be charged. And then I will continue recording this video. So see you after my gimbal is charged. Hey guys, I'm ready to use my gimbal. This is my first time. So from what I understand, राइट एट द स्टार्ट यहाँ पर एक लॉक अनलॉक का बटन है। आई हैव टू जस्ट अनलॉक दिस, दिस गिव्स इट अ मोमेंट। एंड ये सारे जो लॉक्स है इस तरह के, जस्ट अनलॉक देम सो दैट योर गिम्बल कैन मूव इन फ्रीली। एंड नाउ वी हैव टू ऑब्वियसली एडजस्ट दिस, द कैमरा दैट भूत है इसके अंदर। द कैमरा दैट आई विल बी यूजिंग इज कैनन G7X Mark II, बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज अ पॉइंट एंड शूट। इट्स ईजी, दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस। सो ये कैमरा रखते हैं, पहले इसको अनलॉक करते हैं। ओके, ये अनलॉक हो गया। सो नाउ दैट दिस लुक्स स्टेबल, आई अटैच इट। डजेंट रियली, ओके, आई डोंट नो व्हाई दिस इज ओके। दिस हैज टू बी लॉक्ड, इट हैज टू बी टाइट, नथिंग शुड मूव। ओके, नाउ दैट दिस लुक्स स्टेबल, आई अटैच द ट्राईपॉड। The tripod attaching is simple, it's a screw, and there goes my tripod. Yes, so that's the gimbal. Once this gimbal is stable, I'll take this plate and this screw and I'll attach it at the bottom of the camera.
So this is what you have to do. This small screw, you have to unscrew that. This camera with the plate. ये स्क्रू फुल लूज किया तो ही कैमरा अंदर जाएगी. एंड नाउ द कैमरा इज इनसाइड. आई टाइटन दिस फुल्ली सो दैट द कैमरा डजंट मूव. एज यू कैन सी दिस इज नॉट बैलेंस्ड. कैमरा लग गई है लेकिन इट्स नॉट बैलेंस. व्हाट वी हैव टू अल्टीमेटली डू इज बैलेंस द कैमरा. सेंटर ऑफ द कैमरा इज द बैलेंस एंड सी व्हाट्स हैपनिंग. The camera is straight, guys. Big congratulations to me. So my gimbal is pretty much ready, and if I want to, so there are many modes in this. I will show you. M is for mode. This is the display, the mode it's in. I'll change the mode. See, PF. What's that? L. POV, point of view mode. So in PF mode, I can use the joystick to go up and down. Let's see. Down. I'm using the joystick. It's really cool. And you can see it's really smooth. Well done. So this is on my gimbal. बहुत birds की आवाज़ आ रही है. And this is my iPhone. बहुत ही easy है. This is very lightweight. I can easily carry in any hand. I think काफ़ी time तक तो I can manage in this. And I don't think my hand will hurt. It is lightweight. Let's walk around and see how, you know, if there are jerks or if it's really smooth. So now I'll do a walking test. Walk करते करते मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. टेल मी इफ इट्स स्मूथ और इफ इट्स नॉट. व्हाट डू यू थिंक. सो आई थिंक वॉकिंग टेस्ट में इट्स क्वाइट क्लियर. दिस इज नॉट शेकी एट ऑल. इट डजंट गिव एनी जर्क्स. दैट्स द होल आइडिया ऑफ बाइंग दिस गिम्बल. टेल मी हाउ दिस फुटेज इज. इज इट स्मूथ, इज इट नॉट. एंड नाउ लेट्स गो टू माई कैमरा एंड सी एंड से हेलो. सो नाउ दिस गिम्बल इज फेसिंग यू. जस्ट थ्री क्लिक्स ऑन दिस ट्रिगर. 1, 2, 3. And it comes on selfie mode. This what you're watching right now is on the gimbal. This is my Canon G7X. Check out the audio, check out the stability. Panning is really easy. This joystick is like a click of a button. It's really smooth and you can see it's going in whichever direction you want. This sideways happens in the L mode, and PF mode is for you to go up and down. I don't think I could have asked for more at a time like this. Basically, get a gimbal that works on your phone and on your camera. I don't have to buy a small one separately for my phone and separately for my camera. This works for both, and the size is really cool. Imagine this is the tripod. If I remove this, which is very simple, this is it. This will easily fit in your bag, in your pocket when you're going on a holiday. You can fit this in rather than buying those big gimbals. So I definitely recommend this one. I buy all my equipment from ASEA in VT. It's a shop that deals with cameras, lenses and all camera equipment. I get everything delivered at home from them at a lockdown. What more can I ask for? So do check them out and definitely go for this gimbal if you're looking for one.